नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इन्फो। दोस्तों चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेके कि उनका गुस्सा फूट गया, तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर के बटन पर क्लिक करके जो बेल आइकन दिया हुआ है साइड में आप उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो छोड़ूँ वो सबसे पहले मिले आपको मोबाइल पे। तो प्रशिक्षण पूर्ण होने के 2 वर्ष बाद भी शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा नहीं होने के विरोध में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट कुमारबाग में शिक्षा सत्र 2014-16, 2015-17 के प्रशिक्षुओं ने पहुंचकर संस्था में तालाबंदी की। आपको बता दें कि जमकर हंगामा किया गया। इस क्रम में गुरु छात्रों ने संस्थान के मुख्य द्वार पर शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और धरना भी दिया। धरने को संबोधित करते हुए प्रशिक्षु शिक्षक अविनाश कुमार ने कहा कि सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों के कारण आज सरकार हम प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ अत्याचार कर रही है, और ये सही बात है कि अनट्रेन जितने भी शिक्षक हैं उनके साथ ये सही नहीं हो रहा है। तो प्रशिक्षण पूर्ण हुए 2 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन अब तक शिक्षकों की परीक्षा नहीं हुई। इस आर्थिक क्षति की जो जिम्मेदार ये शिक्षक विरोधी सरकार है। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के चलते संस्थान में वर्ग का संचालन भी घंटों तक ठप रहा। शिक्षक अविनाश कुमार ने कहा कि तालाबंदी का यह कार्यक्रम पहले से तय था, इसके पहले ही हम लोगों ने डायट पहुंच का प्रचार से मिलकर अपना विरोध जताया था। आंदोलन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि यदि परीक्षा की तिथि जल्द घोषित नहीं हुई तो परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे दोनों सत्रों के शिक्षक 5 मार्च को पटना पहुंचेंगे और बिहार सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि अनट्रेंड शिक्षकों के साथ बिहार सरकार काफी नाइंसाफी कर रही है, और ये अच्छा नहीं है। सरकार को इस पर जल्द सोचना चाहिए और शिक्षक संगठन को भी सोचना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।